नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रेम साई, मैं आया हूँ अनंतपुर आंध्र प्रदेश से। और मेरा नाम है राजेश्री राजेश देवतारू, मैं आई हूँ नांदुरान महाराष्ट्र से। और हम हैं फाउंडर्स ऑफ विक्रॉस। हमारी आज के 1 CR फॉर 2.5% ऑफ इक्विटी। सो शार्क्स, आज मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग डेमो दिखाना चाहती हूँ। एक ऐसा डेमो जो शायद आपने या पूरे भारत ने पहले कभी नहीं देखा होगा। So we are calling our flagship product Athera और हमारे पिच का हीरो। इसे चला कौन रहा है? प्रेम ने बस एक बटन दबाया, ड्रोन अपने आप ऑटो टेक ऑफ हुआ, खुद अंदर आया, इस टैंक का एक चक्कर लगाया और लैंड हो गया। और साथ ही साथ आपको इस पे 3D मैप भी दिखा। शार्क्स, अथेरा इंडिया का पहला सेल्फ फ्लाइंग स्पेशल AI ड्रोन है। अथेरा को बहुत सारे जगह यूज कर सकते, कंस्ट्रक्शंस, रेलवे ब्रिजेस, इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग और डिजास्टर रिलीफ, जहाँ पे टाइम से डेटा चाहिए। बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज में इंजीनियर खुद मैनुअली जाके डेटा कलेक्ट करता है और वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और डेटा एक्यूरेट भी नहीं होता। ये डेंजरस कंडीशंस की वजह से कभी कभी इंजीनियर्स अपना जान भी गवा देते हैं। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने रिसर्च किया, हमने देखा कि क्यों ना हम ड्रोन्स यूज कर सकते। सो VECROS ने एक ऐसा ड्रोन इनोवेट किया जिसमें आप देख सकते हो कि 8 कैमराज है और इसके अंदर एक प्रोसेसर है जिसका कंप्यूटिंग पावर है 21 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये ड्रोन खुद अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता है, 360 डिग्री में देख पाता है और साथ ही में अगर ऑब्स्टेकल्स है तो उसको भी डॉज कर पाता है। शार्क्स, अथेरा को हाल ही में हम लॉन्च किया और कन्फाइन स्पेसेस के लिए नया प्रोडक्ट जैस्पर भी लॉन्च करने वाले हैं। VECROS के जरिए हम ऑटोनॉमस AI ड्रोन्स की दुनिया में इंडिया को मैप पर लाना चाहते हैं और इस कैटेगरी के नंबर 1 प्लेयर्स बनना चाहते हैं। सो शार्क्स, लेट्स चेंज द आइडिया ऑफ व्हाट ड्रोन कैन डू। एक और डेमो भी बच्चा है, और वो दिखा सकते हैं? यस, अच्छा दिखा दीजिए। जो मैंने एक ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस का एक यूनिक फीचर बताया है, मैं वो आपको लाइव दिखाना चाहती हूँ। क्या होता है ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस? ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस में ऐसा होगा कि प्रेम फिर से इसे लॉन्च करेगा, ये ड्रोन ऑटोनॉमसली अपने आप होल्ड करके रखेगा और जैसे ही मैं इसके पास जाऊंगी वो डॉज करेगा। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप में से भी कोई आ सकता है, यू कैन फिल इट। ये ऑब्स्टेकल है हमारे जाना। बाय चांस मिस नहीं हुआ इनको तो भी चलेगा हमें। We love you, Anupam. Okay. Whoa! What do I have to do? He's scared. You have to run towards it, like you have to catch it. आप आ सकते हो। Oh my God! बस। अच्छा, अब remote मेरे को दे। नहीं, control नहीं हो रहा है। control नहीं हो रहा है, baby. नहीं। तो मैंने फिक्स कर दिया इसे, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बस हम इसे यॉ कर पाते हैं। इसको अनफिक्स करो ना। He wants to say hi to Namita, थोड़ा अनफिक्स करो। I know him. I know how his mind works. Bye, bye. Side of the side of the wow! Oh, बहुत बुरा किया तुमने। What did I do? I you removed the obstacle. It is so dangerous. Oh my God. एक सेकंड, हुआ क्या? इसमें ये था कि ड्रोन को ऑलरेडी ट्रेंड किया था एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में जो अपने आप फ्री पाथ को ढूंढता है, बट अब जब उसका नोस या उसका चेंज कर दिया, हेडिंग बोलते हैं, वो चेंज कर दिया था, वो कंफ्यूज हो गया अभी। दैट वाज रिस्की। आपका नुकसान तो नहीं हुआ ना, वो रिपेयर हो जाएगा? रिपेयर हो जाएगा, उसका लैंडिंग गियर टूट गया है, वी कैन रिप्लेस दैट। नहीं तो यू कैन टेक हर नेकलेस। ए गुड टू हियर, गुड टू हियर दैट। तो चलो खुद के बारे में बताइए, एजुकेशन, कैसे ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैं अनंतपुर आंध्र प्रदेश से हूँ, मैं IIT दिल्ली ग्रेजुएट हूँ इंजीनियरिंग फिजिक्स बैकग्राउंड से। मैं जब सेकेंड ईयर में था, एरो मॉडलिंग क्लब शुरू किया, हम स्टूडेंट्स मिलके छोटा सा प्लेन्स कैसे बनाने सीखते थे। जब मैं सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जा रहा था, बोइंग इंडिया का प्रेसिडेंट IIT दिल्ली एलुमनी ही था, जब हमने अप्रोच किया, उन्होंने हमको ग्रेशियसली फंड किया एंड हम पूरा इंडिया का नेशनल एरो मॉडलिंग कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज किया था। Well done. मैंने सोचा ड्रोन्स में कुछ बनाते जो अभी तक कोई बनाया नहीं, तभी मेरे को लगा कि इंडिया में GPS डिनाइड टेक्नोलॉजी नहीं है एंड कोविड के टाइम में
मैंने राजश्री को लिंक्डइन में मिला था। ओह, लिंक्डइन पे। मैं नांदुरा महाराष्ट्र से हूँ और मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ। उसके बाद मुझे NIT नागपुर में इंजीनियरिंग मिला था। रोबोटिक्स मेरा पैशन था, मैंने इसमें ग्रेजुएशन तक 6+ रिसर्च पेपर्स भी लिखे थे और मुझे मास्टर्स और PhD का ऑफर भी आया था। जब मैं दिल्ली में आई, IIT में आई, तब मैं इसके साथ काम करने लग गई। तब मैंने वो ऑफर छोड़ दिया और इसके साथ ही कंटिन्यू किया। ड्रोन के तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। जो इंडिया में स्टार्टअप्स है वो ज्यादातर मतलब फ्लाइट टाइम और एवियोनिक्स होते हैं उस पर काम कर रहे हैं, बट रियल गैप इंटेलिजेंस में है। जो इंडस्ट्री के लिए एक्चुअल जरूरत है वो ड्रोन से नहीं बन पा रहे। इस टैंक के अंदर लेट्स से GPS डिनाइड एनवायरनमेंट है, तो इसमें उड़ाना, तो ये ऑटोनॉमसली हम कैसे उड़ा सकते हैं, इसके लिए हमने कंप्यूटर विजन बेस्ड एक टेक्नोलॉजी बनाया और उसे रिप्लेस किया। सो आप बोल रहे हो DJI में अंदर नहीं चलेगा, यहाँ पे DJI का ऑटोनॉमसली नहीं चल सकता है। क्यों, ऐसा क्यों है? ऑटोनॉमस गाड़ियां तो है ना अभी दुनिया भर में, तो आपने टेक्नोलॉजी में कोई आविष्कार नहीं किया है, आपने उसको सिर्फ ड्रोन में लगाया। अनुपम जी, ड्रोन में लगाना इज द बिग चैलेंज। ऑटोनॉमस सिस्टम में आपको 100 kg का पेलोड वेट होता है जहाँ पे सुपर कंप्यूटर डाल सकते हो, बट ड्रोन में 1 gram इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मिनिचर आपका आविष्कार है, miniaturization एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ड्रोन मार्केट को हम ऐसा सेग्रीगेट कर सकते हैं कि सर्वेलेंस, मैपिंग, इंस्पेक्शंस और डिफेंस एप्लीकेशंस। सर्वेलेंस और इंस्पेक्शन बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, विच इज सेकेंड इंडस्ट्री, 37% ऑफ मार्केट शेयर है उसका। फर्स्ट इज डिफेंस, विच इज 48% मार्केट शेयर। रेस्ट आता है कंज्यूमर और नॉर्मल एप्लीकेशन। तो ये इंस्पेक्शन और मैपिंग जो आपने विभाग पकड़ा है, ड्रोन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के लिए कितना बड़ा मार्केट? इंडिया में रिपोर्ट के हिसाब से तो अराउंड 20 billion मार्केट है ये। 20 billion इन INR के डॉलर? नहीं यार, ये तो हो ही नहीं बहुत सकता। बहुत ज्यादा मतलब लग रहा है। आपने बिजनेस कोर्सेज नहीं लिया IIT दिल्ली में? नहीं, हो सकता है ग्लोबल हो। इंडिया में तो 2 billion भी नहीं होगा। अभी तक तुमने पैसे रेस किए हैं कुछ? हमने 1.3 crore रेस किया कपल ऑफ एंजल से, उसके बाद फैमिली ऑफिसर्स और HNI से हमने पैसा रेस किया। और ये जो स्पेशियल तुम AI ड्रोन बोल रहे हो, आर यू दी ओनली कंपनी? यस दीपेंद्र जी, इंडिया में तुम हो? इंडिया में, बाकी जगह तो और भी होंगे। बाकी US में एक लीडर है। US में कौन है लीडर? स्काईडियो। वो इंडिया में नहीं है अभी प्रेजेंट? नहीं अभी प्रेजेंट। कब आ रहा है? एक्चुअली वो रेगुलेशंस का भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स इज नाउ बैंड, तो उनको अगर आना है तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना होगा, जो उनके लिए इकोनॉमिकल नहीं है अभी। मे बी नेक्स्ट 2-3 years में आ सकते हैं। आप क्या सर्विसेज बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बेचते हैं, क्या करते हैं? हमारे 2 models है जैसे हम ऑपरेट करते हैं। एक है एंटरप्राइज मॉडल, जहाँ पे आप सीधा ड्रोन्स, सॉफ्टवेयर सब कुछ खरीद सकते हो और खुद इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हो और मैं आपको ट्रेन करूँगा। नेक्स्ट मॉडल है, आप अगर ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर हो, जो आपको फ्लीट चाहिए एंड आपके पास ही 100 clients है जिनको आप सर्विस करना चाहते हैं, तो हम उनको ड्रोन एज ए सर्विस या मंथली सब्सक्रिप्शन प्राइस पे हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों दे देते हैं। अभी तक कितने कस्टमर्स हैं, क्या क्या बेच रहे हो, कितना रेवेन्यू कर रहे हो? हमने लास्ट मंथ अराउंड 9 lakhs का रेवेन्यू किया। नोकिया एक क्लाइंट है जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया था हमने, एंड उनके साथ हमने एक लेटर ऑफ इंटेंट भी लिया था 10 drones के लिए। और उसके पहले हमने 2-3 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के साथ भी काम किया था, जहाँ पे रेलवेज और ब्रिजेस और टेम्पल्स का मैपिंग किया था। कितने लोग इंडिया में एज ड्रोन मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है? 200 कंपनीज। इनमें से 100 कंपनीज तुमसे बड़ी होंगी अभी बिजनेस में, साइज में। उनके लिए ये करना इज अ नेचुरल एक्सटेंशन अगर ये प्रॉफिटेबल बन गया तो। लेकिन अभी आप बेचते कितने हैं? अभी हम प्री रेवेन्यू है। और इसका प्राइस क्या है? So, वो विदाउट पेलोड अराउंड 15 लाख रुपीस। और उस पे मार्जिन कितना है आपका? 9 लाख। ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर है, अगर आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो उसने आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया? So, हमें एक्विजिशन ऑफर्स आया ना? Yeah. क्या ऑफर आया इनसे? They want 70% of the company. For how much? 70% के लिए अराउंड 15 करोड़। तो आपने मना कर दिया? हमें ऐसा लगता है कि हम टेक्नोलॉजी और बेटर बना सकते हैं, मतलब कैपिटल के सपोर्ट से। अभी हमारा टीम काफ़ी छोटा है और हमें लगता है कि हम अपने जैसे और पैशनेट लोगों को लाए तो हम उनको भी हरा सकते हैं आसान से। सपना देखना बुरी बात नहीं है। करोगे क्या, बड़े कैसे बनोगे? एक तरफ आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, बट नॉट नेसेसरी एवरी प्रोडक्ट गाय इज अ गुड बिजनेसमैन। कहीं आपका बिजनेस को फाउंडर या कुछ की कमी नहीं लगी आपको? आप प्रोडक्ट पे फोकस करो, वो बिजनेस पे करे। अभी फोकस है हमारा बिजनेस बनाने पे ही, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बना लिया, इतने साल R&D किया, ऑलरेडी हम 2-3 clients के साथ MOUs भी साइन कर रहे हैं, जहाँ पे हम ड्रोन एज ए सर्विस लॉन्च करने वाले हैं, तो वही हमारा अभी स्ट्रेटजी है। राजश्री प्रेम, ये जो मैपिंग वाला मार्केट है,
बी टू बी वाला, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि इंडिया में कितनी डिमांड है, क्या नीड है. मैं इसमें आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगी, तो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट. जैसे हमने डिस्कस किया कि आपसे बड़े बहुत सारे ड्रोन कंपनीज हैं, और आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा ये असम्पशन है कि इनमें से एक कंपनी अगर चाहे तो ये मार्केट में एंटर कर सकती है और आपसे टक्कर इजीली मार सकते हैं. फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट. मुझे लगता है कि यार आप ये जो सर्विसेज एरिया में डायरेक्शन में खींच रहे हो, एंड यू हैव टू बिकॉज ऑफ रेवेन्यू, वहां से आरएनडी और टेक फोकस थोड़ा हट जाए. तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको कोई पार्टनरशिप करनी चाहिए कोई टेक कमर्शियलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो वो सब रास्ते आपके लिए खोल सके, आप अपने टेक्नोलॉजी पे फोकस कर सकें. वो बात मुझे अभी नहीं दिख रही है और वहाँ मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, सो आई एम आउट. गुड लक. स्पेशियल AI ड्रोन बोला तुमने, और अनुपम ने एक बटन ट्विच किया और क्रैश हो गया. जो तुम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो और जो तुम्हारा डेमो था, आई डोंट थिंक कि मैच कर रहा है कुछ. दूसरी चीज, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तुम्हारा. 100 कंपनीज तुमसे बड़ी हैं, वो तुमसे ज़्यादा R&D कर रही हैं. सो फार मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम लोग स्पेशल क्यों हो. तीसरा पॉइंट ये है, तुम हार्डवेयर कंपनी थे या हो, अब तुम कह रहे हो कि मैं सर्विसेज में जा रहा हूँ. लेकिन अगर तुम सर्विसेज में जा रहे हो, तो तुम किसी और का हार्डवेयर यूज करके सर्विसेज में क्यों नहीं जा सकते हो? जा सकते हो शायद, नहीं, हार्डवेयर इतना कैपेबल नहीं है उनका. 3.5 है, तुम कर लो इम्पोर्ट, 3 वाले पे बना लो. अभी सर्विसेज बनानी है ना, सर्विसेज का तो एक रोड मैप होगा. अब कुछ स्टार्ट करोगे, फिर और बनाओगे, फिर और बनाओगे. तो या तो सर्विसेज कंपनी बनो या हार्डवेयर कंपनी बनो. अर्ली स्टेज पे तुम दोनों चीजें टू मच टू डू. तो दीज 3 थिंग्स, आई एम आउट. बिजनेस बंदस आपको समझ आ रहा होगा, आपका बिजनेस क्या, मुझे तो नहीं समझ आया अभी तक, और टाइम लगेगा. मेरे को आपका ये अच्छा लगा कि आपने कंपनी को मना करा कि चल भाई हम बड़ा कुछ करेंगे, आपने सपने लिए. मैं आपको एक ऑफर देता हूँ. ओह वाओ, 10 लाख फॉर 1% इक्विटी और बाकी 90 लाख डेट फॉर 3 years एट 10%. यू हैव वन ऑफर. Aman ji, I have information I didn't disclose. We are already closing around 20 crore pre-money, 2 crore post-money oversubscribed. So, if you want to come to the same round, then we love to have you. So, basically, 20 lakhs will happen, right? 1%. 20 lakhs, 1%, 20 crore valuation, which you said, same valuation. And the rest of debt at 10% for 3 years, repayment can start after 1 year. Comfortable? Yeah, I think Aman ji, we have deal. Well done. आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? आपकी इनोसेंस. बहुत. और दूसरा आपके सपने. हमारे सबके सपने ही हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर होती है. Thank you so much. Thanks a lot. Bye. We'll meet in Delhi. Don't fly back on your drone. No. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.